हेलो दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जहां 7 अरब लोग रहते हैं और परिवहन के सिर्फ 4 ही तरीके हैं, जिसमें से सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए से गाड़ियां निकली, गाड़ियां से लोकोमोटिव आए और लोकोमोटिव से हाई स्पीड ट्रेनें आई, साथ ही विमान और सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां आई। इन सभी का मतलब था कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के बेहतर, तेज और नए साधन, सामान के साथ साथ लोगों के लिए भी। और अब वर्तमान में गाड़ियां, ट्रेन, विमान को पीछे छोड़ते हुए हाइपरलूप है हमारे पास। दुनिया की सबसे तेज ट्रेन हाइपरलूप बनाने के लिए पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में शोर मची हुई है और इसी शोर में भारत को काफी बड़ी जीत मिल चुकी है। दरअसल हमारे रेलवे को ग्लोबल कंसल्टेंसी ने अप्रोच किया है। इस तरह डोर्नियर, बर्गर, रोनार्ड और PWDC जैसे काफी बड़े मेजर्स प्लेयर ने अपना इंटरेस्ट दिखाया भारत के लिए और रेलवे को कंसल्टेंसी ऑफर करेंगे। हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो IIT मद्रास डेवलप कर रही है, अब यहां पर टेस्ट ट्रैक भी डेवलप किया जाएगा। इसी साल 2023 में जून से सितंबर के बीच यहां 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टेस्ट की जाएगी। साथ ही 400 मीटर हाइपरलूप का पूरा ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके बाद एक और खबर जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा कि भारत पूरे एशिया में अकेली हमारी ऐसी टीम थी जो SpaceX हाइपरलूप पोंड कॉम्पिटिशन 2019 के फाइनल तक पहुँच गयी थी। ऑलरेडी भारत तेजी से काम कर रही है इस क्षेत्र में, लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि रूट टेबल की, जो कि अगर हम मुंबई से दिल्ली के बीच हाइपरलूप को दोहराएं तो यह कितना समय लगेगा। प्रेजेंट टाइम में कार से 20 घंटे लगते हैं, ट्रेन से 17 घंटे लगते हैं और वहीं प्लेन से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन हाइपरलूप से लगेंगे मात्र 1 घंटा। और अगर वहीं मुंबई से चेन्नई की बात करें तो प्लेन से 2 घंटे लगते हैं, तो हाइपरलूप से केवल 1 घंटा में लगेगा। अगर चेन्नई टू बेंगलुरु केवल आधे घंटे में और कोलकाता टू दिल्ली 1 घंटे में, सो डेफिनेटली पूरा क्रेन चेंज होने वाला है। ये टेक्नोलॉजी अगर भारत में पूरी तरह से डेवलप कर रही हो तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद हम जानेंगे कि आखिरकार हाइपरलूप कैसे काम करेगी भारत में। देंगे आपको हाइपरलूप की विस्तृत जानकारियां, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। इस छोटी सी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको काफी कम समय में अधिक जानकारियां मिल पाए। दोस्तों, हाइपरलूप सार्वजनिक एवं माल परिवहन दोनों के लिए प्रस्तावित उच्च गति परिवहन प्रणाली है। वैक ट्रेन अवधारणा के आधार पर एक आधुनिक परियोजना का वर्णन करने के लिए एलोन मस्क द्वारा 1799 में हाइपरलूप बनाने की विचार हुआ। हाइपरलूप सिस्टम में 3 आवश्यक तत्व होते हैं, ट्यूब, पॉड और टर्मिनल। ट्यूब एक बड़ी सीलबंद कम दबाव प्रणाली है। अगर आम चाल की भाषा में कहे तो ट्यूब एक लंबी गोलाकार सुरंग है जिसके अंदर हवा का दाब बहुत ही कम रहता है। पौंड वायुमंडलीय दाब पर दबाव वाला एक कोच है जो इस ट्यूब के अंदर हवा के प्रतिरोध या घर्षण से मुक्त रूप से चलता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हाइपरलूप एलोन मस्क द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक में एरोफिल्स द्वारा लिफ्ट प्रदान करने और प्रशंसकों द्वारा प्रणोदन प्रदान करने के लिए ट्यूब के अंदर अवशिष्ट वायु दबाव पर भरोसा करके बैकट्रेन से भिन्न होती है। हाइपरलूप जॉर्ज मेड हस्टर्ज द्वारा एक अवधारणा है जो कि बाद में वायवीय रेलवे, वायुमंडलीय रेलवे या बैकट्रेन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साल 2012 में एक स्पीकिंग इवेंट में हाइपरलूप का उल्लेख करने के बाद एलोन मस्क ने फिर से इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई। एलोन मस्क ने साल 2013 में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करके इस अवधारणा को और बढ़ावा दिया, जिसमें लॉन्च एनिजल क्षेत्र से सैन फ्रांसिस्को खाड़ी तक चलाने वाली हाइपरलूप मार्ग की कल्पना की गई थी। हाइपरलूप परिवहन के इस काल्पनिक हाई स्पीड मोड में निम्नलिखित विशेषताएं होगी। मौसम के प्रतिरोधकता, यानी कि इस हाइपरलूप में मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टकराव मुक्त, यानी कि इस हाइपरलूप की ट्रेनें जो होगी कभी आपस में नहीं टकराएगी, जिससे कि दुर्घटना की कोई संभावना नहीं होगी। साथ ही विमान की गति से 2 गुनी गति होगी इस हाइपर ट्रेन की, और साथ ही यह कम बिजली की भी खपत करेगी। साथ ही 24 घंटे के संचालन के लिए अपना भंडारण भी खुद करेगी। इस ट्रेन का नाम हाइपरलूप इसलिए रखा गया क्योंकि यह अत्यंत हाई स्पीड होगी,
एवं यह एक ट्यूब यानी कि लूप में अपनी मंजिल को तय करेगी। इसलिए इस ट्रेन को हाइपर लूप नाम दिया गया है। हाइपर लूप अवधारणा एलोन मस्क और स्पेस एक्स द्वारा बढ़ावा दिया गया है और अन्य कंपनियां या संगठनों को प्रौद्योगिकी के सहयोग से और विकास के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें से म्यूनिक हाइपर लूप के तकनीकी विश्वविद्यालय ने जुलाई 2019 में कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स द्वारा आयोजित पोंड डिजाइन प्रतियोगिता में 463 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का हाइपर लूप का रिकॉर्ड बनाया था। जुलाई 2021 में हाइपर लूप स्टार्टअप स्विस पोंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर यूरोप की पहली ऑपरेशनल हाइपर लूप सुविधा का अनावरण किया था। इस परियोजना को स्विस सरकार द्वारा वित्त घोषित किया गया था और ईपीएफएल परिसर लोजैन स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, भारत में जल्द ही हाइपर लूप ट्रेन दौड़ती हुई नजर आ सकती है। दुनिया में अभी कहीं भी ये ट्रेन नहीं है। भारत में दो राज्यों महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस ट्रेन की खासियत ये होगी कि यह हवाई जहाज से भी फास्ट होगी। पुणे और मुंबई के बीच जहां अभी 3 घंटे से 4 घंटे का सफर लगता है, वहीं यह सिर्फ 20 से 25 मिनट में सफर करेगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के लिए सजेशन और ऑब्जेक्शन बुलाए हैं। सरकार इसी साल इसकी टेस्टिंग करने की तैयारी में है। दोस्तों, अब ये टेक्नोलॉजी हाइपर लूप भारत में आएगी तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। तो अगर आप भी भारत से हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और साथ ही इसी तरह के कम समय में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। देखते हैं कितने लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद।